Assalamu alaikum. Welcome to another AQ Digital instructional video. Today's topic is that how can Pakistani job seekers tackle unexpected interview questions? Job interviews. Sunte saath hi aap mein se aadhe se zyada viewers ko ek feeling of nervousness aayi hogi. And for good reason too. Matlab ek interview mein, ek job interview mein, aap kisi stranger ke saath baithe hain aur wo aap se sawal pe sawal puchhi ja raha hai. और ऊपर से इस इंटरव्यू की बेसिस पे मतलब आपकी नौकरी डिसाइड होनी है सो इट्स काइंड ऑफ अ रियली बिग डील ऊपर से जॉब इंटरव्यूअर्स जब अनएक्सपेक्टेड सवाल पूछते हैं या अनकन्वेंशनल सवाल पूछते हैं तो वो इस चीज़ को एक ज़्यादा बड़ा ऑर्डील बना सकते हैं ठीक है इट्स वेरी कॉमन फॉर पीपल बींग इंटरव्यूड लाइक यू एंड मी टू गेट थ्रोन ऑफ बाई सच क्वेश्चन However, in this video, what we'll be doing is looking at how to tackle such questions and how to come out on top. And give the best interview you could possibly give. Let's have a look at how to do so. Okay, so now let's have a look at how can Pakistani job seekers answer unexpected interview questions. Now, the first thing you should understand is that there are certain problems or issues you can run into during a job interview. ठीक है? अब job interview देते हुए आपने कुछ चीजों का ख्याल करना है. आपने ये मतलब आपको अवेयर होना चाहिए जॉब इंटरव्यू देने से पहले कि कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि मतलब कि ना आपको थ्रू ऑफ कर सकती हैं अब उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब अगर जो आपका जो भी आपको इंटरव्यू कर रहा है हो सकता है कि वो क्वेश्चंस आपके फील्ड ऑफ वर्क से या लाइन ऑफ वर्क से हट के हों ठीक है इफ़ यू अप्लाइंग इन टू अ मैनेजरियल पोस्ट देन इट्स पॉसिबल दैट सम इंटरव्यू विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू ग्राफिक्स डिज़ाइन ठीक है जो कि मतलब कम्प्लीटली अनरिलेटेड होगा इसके अलावा इंटरव्यूअर का ये भी हो सकता है कि वो बहुत अनफ्रेंडली हो या बहुत रिजिड हो मतलब उन्होंने अपने सेट सवाल रखे होंगे और उन्होंने उसी रूटीन में आपसे पूछते जाना है ठीक है वो भी सही नहीं होता उसके अलावा ये भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस जो वो आपसे पूछें वो बहुत मतलब अब्सर्ड और स्टूपिड से लग रहे हो जैसे अगर वो आपसे पूछें कि इफ़ यू आर एनी इफ़ यू कुड बी एनी टाइप ऑफ कुकी व्हाट टाइप ऑफ कुकी वुड यू बी ठीक है अब बंदा मतलब इस चीज़ का क्या जवाब दे सकता है लेकिन ऑफकोर्स एक जॉब इंटरव्यू है तो आपको कुछ ना कुछ सोच के बताना पड़ेगा अब इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम बिल्कुल लैटर पार्ट पे देखेंगे कि इन तरह के सवाल मतलब स्टूपिड सवाल या वेग सवाल इनको बंदा किस तरह टैकल कर सकता है और किस तरह आंसर कर सकता है द फर्स्ट क्वेश्चन वी टेकिंग अ लुक एट इज डू यू लाइक कैट्स और डॉग्स अगर आपका इंटरव्यूअर आपसे ये पूछे तो आप इसका किस तरह जवाब दे सकते हैं सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि उन्होंने ये सवाल आपसे पूछा क्यों है Now they'll ask you this question to judge what type of person you are. ठीक है आपकी personality traits क्या हैं? ये question इस तरह भी phrase हो सकता है कि मतलब if you could be any type of animal, what animal would you be? ठीक है और इसका जवाब जो है वो इस चीज़ पे base करता है कि जो different animals हैं हमने उनके साथ different personality traits associate किए होते हैं. ठीक है तो आपने accordingly इस question को भी इसी तरह answer करना है कि आप जो भी animal choose करें वो इस तरह करें कि वो आपके अट्रैक्टिव ट्रेट्स को हाईलाइट करें फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू चूज अ डॉग देन यू शोइंग दैट यू अ लॉयल एंड फ्रेंडली एंड आउट गोइंग पर्सन ठीक है और अगर आपकी जॉब उस तरह की है मतलब एचआर में अगर आपकी कोई जॉब है सो दैट समथिंग दैट द इंटरव्यूअर विल सी इन अ मतलब पॉजिटिव लाइट अगेन इफ यू लुकिंग फॉर अ मैनेजरियल पोजिशन यू माइट कंसिडर आंसरिंग कैट ठीक है बिकॉज कैट्स आर नोन फॉर इंटेलिजेंस कनिंग एंड डोमिनेंस ठीक है And मतलब staying aloof from the rest. So the answer to this question depends on what type of post you're applying to. Okay, so next we have which superhero would you like to be? अब ये भी काफ़ी बच्चों वाला सवाल लगेगा ठीक है लेकिन असल में इंटरव्यूअर इससे ये पता करना चाह रहा है कि आप एक टीम में मतलब ऑफकोर्स आप जहाँ भी काम कर रहे होंगे उधर आप मतलब बाकी लोगों के साथ किस तरह फिट इन करेंगे इस सवाल के पीछे ये मकसद है अब इस क्वेश्चन में आप इसको एज एन अपॉर्चुनिटी टू बी फनी ले सकते हैं ठीक है मतलब आपने बहुत चीकी जवाब नहीं देना बट इट गिव्स यू अ लिटिल बिट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कि यू कैन शो ऑफ योर ह्यूमरस साइड ठीक है इसमें आप एक कन्वेंशनल सुपर हीरो भी बता सकते हैं मतलब सुपरमैन हो गया वंडर वुमन हो गई जिस तरह भी आप अपने आप को पोर्ट्रे करना चाहते हैं या अपना कोई मेड अप वो भी कर सकते हैं जैसे कैप्टन पैनकेक्स और समथिंग ठीक है मतलब मेक समथिंग अप ऑन योर ओन उसकी सुपर पावर्स वगैरह जो भी आप एक्सप्लेन कर देंगे तो इंटरव्यूअर को भी समझ आ जाएगी कि अच्छा ये इस तरह मतलब अपने आप को पोर्ट्रे करना चाह रहा है मतलब अगर आप सुपरमैन कहते हैं देन दैट वुड मीन दैट यू आर बेसिकली इनटू मोर ऑफ अ लीडरशिप रोल ठीक है कि गुड गुड से आप हो इसी तरह अगर आप बैटमैन देते हो देन दैट विल गिव द इंप्रेशन दैट यू आर मोर ऑफ द अलूफ टाइप ठीक है दैट यू लाइक टू वर्क ऑन योर ओन तो आप जॉन सा भी सुपर हीरो नेम करेंगे
आपने इस चीज के अकॉर्डिंग देना है कि मतलब आप किस तरह अपने आप को शो करना चाहते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज व्हाट वुड यू डू इफ यू बिकेम अ फिश. ये इस सवाल के पीछे ये थिंकिंग होती है कि वो आपसे ये जज करना चाहते हैं कि आप कितने निम्बल माइंडेड हैं. ठीक है कि आप मतलब अगर किसी अनफेमिलियर सिचुएशन में प्लेस कर दिया जाए आपको तो आप किस तरह रिएक्ट करेंगे. अब इसको टैकल करते हुए आपने ये याद रखना है कि आपने कभी भी फ्लस्टर्ड या मतलब परेशान नहीं लगना उनके सामने. ठीक है, अपना जो जवाब है वो आपका वेल थॉट आउट होना चाहिए और आप उसको कामली डिलीवर करके उनको बताएं. और इसमें इस सवाल को टैकल करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप डिटेल्स दें कि अच्छा इफ़ आई डिड बिकम अ फिश देन फर्स्ट ऑफ ऑल आई सी व्हाट एनवायरनमेंट है एम आई एन. ठीक है, मतलब इस तरह आप बताएं कि सिस्टमैटिक थॉट प्रोसेस देके कि आई वोंट पैनिक आई विल सी वेदर आई एम इन एन एक्वेरियम इन द ओशन इन अ रिवर और व्हाट देन आई विल सी इफ देयर एनी फूड सोर्सेज नियर बाय. ठीक है, इस तरह मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप काम होके आप दिखाना चाह रहे हैं कि यू कैन अडैप्ट टू न्यू कंडीशंस ईजिली. नेक्स्ट वी हैव यूजेस ऑफ स्टेपलर्स अदर दैन टू स्टेपल. मतलब आपसे इंटरव्यूअर ये पूछ सकता है कि अच्छा स्टेपलर स्टेपल करने के लिए होता है लेकिन उसके साथ साथ उसके और फायदे क्या हो सकते हैं. ठीक है, अब इसके अंदर वो ये देखना चाह रहे हैं कि आप आउटसाइड द बॉक्स सोच सकते हैं. कैन यू थिंक आउटसाइड द बॉक्स एंड कम अप विद न्यू एंड इनोवेटिव आइडियाज. अब इस तरह के सवाल को ना जहाँ पे वो देखना चाह रहे हैं कि आप इनोवेशन कर सकते हैं यहाँ पे आप अनकन्वेंशनल या मतलब ऑफ द बीटन पाथ जाना आपके लिए ज़रूरी है. इसमें आप मतलब स्टेपलर कह सकते हैं कि यार मैं इसको हथौड़े के तौर पर यूज़ कर सकता हूँ या फिर एज अ पेपर वेट यूज़ कर सकता हूँ. और इन माई केस आई कुड यूज़ स्टेपलर एज अ बुक मार्क. अच्छा मैं बुक पढ़ रहा हूँ बीच में काम पड़ गया, स्टेपलर का एक बीच में एंड डाल दो ऊपर बंद कर दो बुक मार्क बन गया आपका. ठीक है, इट्स टोटली इट दिस द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन योर इमेजिनेशन. एनी जॉब यू वुड लाइक इफ़ यू विजिटेड एन एलियन प्लैनेट. ये भी एक बड़ा पुट्ठा सवाल है, मतलब क्या है? लेकिन इसके पीछे भी ऑफकोर्स एक थिंकिंग एक लॉजिक है. वो ये कि इंटरव्यूअर पता करना चाह रहा है कि अच्छा आपके करियर गोल्स और एम्बिशंस एग्जैक्टली क्या हैं. अब इसको टैकल करने का ये तरीका है कि आप अपनी एम्बिशंस ड्राइव और मतलब जो भी आपके गोल्स हैं आप उनको ओपनली डिस्प्ले करें. ठीक है, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो भी ये नहीं चाहते क्योंकि मरा मरा बंदा है जो कि जो है ना अपनी बस डेली रूटीन में से निकल के घर जाने की उसको पड़ी हो. दे वॉन्ट समवन हु वॉन्ट्स टू अचीव समथिंग इन देयर लाइफ. ठीक है, सो गिव अ क्रिएटिव आंसर. मतलब इफ समवन आस्क्ड मी दिस देन तो मैं कहता कि आई डोंट वॉन्ट टू बी the alien emperor. ठीक है, I'd want to be the conqueror or whatever. ठीक है, I'd want to be the alien supreme leader या जो भी. मतलब आप शो करो कि यार मेरी बहुत lofty goals हैं. Next we have why choose you out of so many talented individuals. ये भी एक और जो है ना बड़ा बहुत cliched सवाल है ये. और ये एक in a way एक बहुत demeaning सवाल भी है. वो इस तरह के वो देखना चाह रहे हैं कि आपको ये job कितनी बुरी तरह चाहिए. ठीक है, and what the main aim of this question is to have you groveling. ठीक है, it's to put you on the back foot. कि अच्छा मतलब वो ये शो करना चाह रहे हैं इस सवाल से कि मतलब हम या अब हमारे पास अपर हैंड है. ठीक है, हम अगर चाहें तो आपको देना चाहें लेकिन मतलब क्यों आपको क्यों दें, हमारे पास और इतनी चॉइस है. वो ये शो करना चाह रहे हैं. अब इस सवाल के का जवाब देते हुए आपने इस चीज़ पे गौर करना है कि आपने ना उनको जवाब इस तरह देना है कि आपने शो करना है कि हम इक्वल फुटिंग पे हैं. ठीक है, आपने कहना है कि ओके सो द थिंग इज दैट वी बोथ हैव अ लॉट वी कैन वी देर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन विच वी कैन हेल्प ईच अदर आउट. ठीक है, म्यूचुअल बेनिफिट निकालें. आप इस तरह ना जवाब दें कि आप मुझे क्यों हायर करें, आप ये जवाब दें कि मैं आपके साथ काम क्यों करूं. ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को कि यू कैन हाईलाइट योर स्किल्स के अ कॉन्टेंट राइटर ऑफ माई केपेबिलिटी कुड you know write articles for you that would bring in lots of views and lots of clicks. ठीक है, आप इस तरह करके उनको जवाब दें कि मैं आपको इस तरह फायदा दे सकता हूँ. उससे आप फिर से एक equal playing ground पे आ जाते हैं. Where do you see yourself in 5 years? इस सवाल में आपका आपसे वो ये देखना चाह रहे हैं कि आप कितने आपकी loyalty test करना चाह रहे हैं basically. So the best answer to give is that मतलब मैं आपके साथ अब ये तो नहीं कहेंगे मैं आपके साथ ही हूँ in 5 years. आजकल की वर्कप्लेस ऐसी बन चुकी है कि लोग जो है ना एक तो साल एक जगह काम करके ना दे मूव ऑन टू सम प्लेस बेटर. ऑफ कोर्स ज़्यादा लुक्रेटिव और अट्रैक्टिव ऑफर्स मिल जाती हैं जैसे ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है. लेकिन अगर आप एम्प्लॉय होना चाहते हैं तो आपको एक दफ़ा एक काइंड ऑफ जो है ना यू हैव टू लाई अ बिट के आई सी माई सेल्फ विद फॉर एग्जाम्पल 2 or 3 प्रमोशंस एंड हेडिंग माई ओन डिपार्टमेंट और वट एवर. बट इफ यू डोंट इफ यू आर रियली अगेंस्ट लाइंग देन वॉट यू कैन डू इज से समथिंग लाइक मैं अपना स्किल सेट एक्सपैंड करना चाह रहा हूँ या आई सी के
in 5 years I will have vastly improved experience working here, yeah, isna kuch aap keh dein. That's not a lie, but it's not the whole truth either. This is another very cliched question. Okay, what is your greatest weakness? Or of course, matlab ye to, there is no hidden meaning behind this question. It means exactly what it says. Of course, ab hum logon mein se koi is tarah nahi chahta ki hum apni buraiyan is tarah public kare aur wo bhi kisi stranger ke samne. To iske andar, lekin aapne ye avoid karna hai ki aapne jo hai na koi cheesy answer nahi dena. Jaise aap ye kahenge, acha aapki kya weakness, to aap kahenge ki mujhe bahut zyada kaam karne ka shauk hai, ya matlab main bahut responsible hu, extra responsible hu, ye meri weakness hai. Theek hai, wo matlab pata chal jata agle ko ki ye banda aimi keh raha hai. So yeah, no one has weaknesses like those. Theek hai, so what you should do is ki aap matlab jo hai na idhar bhi aap ek partial truth dein ya apni koi choti flaw dein. Jaise aap ye keh sakte hain ki I am very blunt, ya phir I get emotional sometimes, or I am afraid of heights. Theek hai, matlab you're answering the question ki weakness bata rahe ho, lekin aap apni ek bahut badi khami nahi bata rahe. Theek hai, is question ko tackle karne ka ye tarika hai. Okay, so that concludes all the questions, all types of unexpected questions you can get during a job interview and how to tackle them. I hope that you guys found this video useful. Please do visit our website adilkayum.com. Please do subscribe to our YouTube channel and do like our Facebook page. Good luck with your job prospects. Thank you so much for watching. Take care. Khuda hafiz.